हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू यूर माई यूट्यूब चैनल। सो इन द कंटिन्यूशन ऑफ द मिश्रगण आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द कंटक पंचमूल, लेट्स कंटिन्यू विद आवर वल्ली पंचमूल। ओके, तो वल्ली मतलब क्या होता है, वल्ली पंचमूल मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन मीनिंग देखेंगे। वल्ली मतलब होता है लता। लता मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जो किसी अनदर प्लांट पे अपनी ग्रोथ करते हैं। तो लता वाले प्लांट ऐसा कलेक्ट हमें करके पंच यानी कि फाइव प्लांट्स ऐसा हमें कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो लता वाले जो प्लांट है जो अपनी ग्रोथ किसी अनदर प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ मतलब उनके जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका रूट खुद ही अब्जॉर्ब करके तो देता है, लेकिन जो उनका स्प्रेड होने का जो कैरेक्टर है और जो उनके जो अगर जो उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही लूज रहता है, बहुत ही थिन रहते हैं, इसीलिए वो डिपेंडेंट रहते हैं, उसी को हमें लता बोलना है। तो लता वाले जितने प्लांट हैं उन पांच प्लांटों को हमें कलेक्ट करना है। मॉर्फोलॉजिकली वो लता होनी चाहिए यानी कि वो डिपेंडेंट टू अनदर प्लांट होने चाहिए, यानी कि वो उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत ही थिन होने चाहिए। तो उन प्लांटों का हम अगर मूल यूज़ करते हैं ओके, तो उसको हमें क्या बोलना है, वल्ली पंचमूल बोलना है। तो फाइव प्लांट्स, दो सारे इन द वल्ली यानी कि लता मैनर में है, और उसके हमें अगर रूट यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन से दैट इज़ ऑफ वल्ली पंचमूल। ओके, तो ऑल क्लाइंबर प्लांट, तो क्लाइंबर मतलब होता है विच ग्रोज ऑन अनदर प्लांट। ओके, तो वल्ली मतलब होता है लता। तो दैट इज़ अ प्लांट हैविंग लता एंड देयर रूट्स आर यूज्ड, दैट इज कॉल्ड वल्ली पंचमूल। वही मैंने बताया। तो फाइव प्लांट्स कम अंडर वल्ली पंचमूल, वो कौन कौन से आते हैं, तो हरिद्रा, मंजिष्ठा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ गुड़ुची का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। तो गुड़ुची का नॉर्मली हम कांड यूज करते हैं। ओके, तो गुड़ुची का हम कांड यूज करते हैं, उसका मैंने कांड के यानी कि स्टेम्स की यहाँ पे मैंने फोटो बताया। जो उसका जो प्लांट का फोटो होता है, उसका जो प्लांट का फोटो होता है ये ऐसा कुछ रहता है, यानी कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कोई स्टेम्स का कोई पार्ट नहीं होता है, यानी कि लता है, यानी कि ये आउटसाइड जो ये यह जो यहाँ पे जिसके अंदर इसका ग्रोथ हो रहा है उस पॉट में, वो उसके बाहर चले जाते हैं, यानी कि वो इनके जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, वो खुद के प्लांट के वेट को वो कैरी यानी कि होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं ग्रोथ होने के लिए। उनके जो न्यूट्रिशन होते हैं उनके रूट खुद ला के देते हैं, लेकिन वो ग्रोथ यानी कि ग्रोथ मतलब ग्रो होने के लिए वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको गुड़ुची का डायग्राम दिखा हुआ है, यू कैन सर्च अदर डायग्राम ऑल्सो, अगर मेरे पास वो डायग्राम अगर आते हैं तो आई विल पोस्ट टू अनदर वीडियो इन डायग्राम फॉर्म। ओके, तो उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, तो गुड़ुची का डायग्राम मैं यहाँ पे इसलिए दिखाया कि ये ऐसे लते फॉर्म में रहते हैं, यानी कि वो किसी अनदर प्लांट पे डिपेंड होना रहता है उनको अपनी ग्रो होने के लिए, अपने प्लांट के ग्रो होने के लिए। ओके, तो वो फाइव प्लांट्स कौन आते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्लांट आता है हरिद्रा। हरिद्रा कौन नहीं जानता, जिसे हम हल्दी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो करक्यूमा लॉन्गा, करक्यूमा लॉन्गा इसका लैटिन नेम इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसमें करक्यूमिन एक इसका जो मेन इंग्रेडिएंट यानी कि अगर कंपोजिशन देखे जाएंगे तो वहाँ पे करक्यूमिन पाया जाता है। इसका जो फैमिली होता है जिंजीबेरेसी है, जिंजीबेरेसी फैमिली उन ड्रग्स यानी कि उन द्रव्यों का आता है जिसका हम कंद यूज़ करते हैं, यानी कि जिनका हम रूट यूज़ करते हैं। तो हरिद्रा का ऐसा वन ऑफ देम। तो जिंजीबेरेसी फैमिली अदरक का भी रहता है, तो इसलिए उसका जो जिंजीबर ऑफिसिनालिस वहाँ पे लैटिन नेम आया, और उसका जो फैमिली आता है वहाँ पे भी हम जिंजीबेरेसी देखते हैं। ओके, जो सारीवा जो रहता है, सारीवा को हेमिडिस्मस इंडिकस। ओके, और वहाँ पे जो फैमिली होती है उसकी रुबेसी फैमिली होती है। ओके, सारीवा एक ऐसा प्लांट है, सुगंधित द्रव्य प्लांट रहता है। तो नॉर्मली हम इसका डायरेक्टली इसका मूल यूज़ करते हैं। मूल यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये सुगंधित द्रव्य होने की वजह से ये मधुर होता है, और ये बहुत सारे रस धातु जितने भी हमें जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी यानी कि फार्माकोलॉजिकल डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल जो गेन करना रहता है वो सारीवा ला के देता है। ओके, सारीवा अगर देखने जाएंगे तो जो हमारा जो मांसानुमासिक वृद्धि होती है यानी कि फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ट्राइमेस्टर जो ग्रोथ होती है, तो सारीवा एक प्योरेस्ट ड्रग होता है कि मांसानुमानसिक वृद्धि होने के लिए सारीवा इज़ द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, तो वो मांसानुमानसिक जो कषाय होते हैं, जो फॉर्मुलेशन आते हैं, उनमें सारीवा एक बेस्ट इन्ग्रीडियंट होता है। सारीवा इट इज़ द बेस्ट ऑफ अवर जो वर्ण जो द्रव्य आते हैं यानी कि स्किन कॉम्प्लेक्शन में जो चेंजेस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो हमारा सारीवा रहता है, मंजिष्ठा रहता है। ओके, तो इन सभी में सारीवा ऐसा यूज़फुल आता है। तो सारीवा ये लता फॉर्म में उसकी ग्रोथ होती है और इसका हम रूट यूज़ करते हैं, तभी इसका हम वल्ली पंचमूल के अंतर्गत इसको लेते हैं। ओके, मेजो श्रृंगी। ओके, तो जिमनेमा
सेल्वेस्टर उसका लैटिन नेम है, एंड एजलपिडेसिए, एजलपिडेसिए फैमिली उस द्रव्य का आता है जिसका हम वहाँ पे यानी कि जिस प्लांट के लीव्स यानी कि जिस प्लांट के पार्ट्स ऑफ द प्लांट या फिर उसके किसी प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट के ब्रेक करने के बाद अगर कोई कुछ समथिंग ऊज आउट होता है, यानी कि नॉर्मली अगर मैं अर्क की बात करूँ, कैलेट्रोपिस प्रोसेरा की बात करूँ या फिर कैलेट्रोपिस गिगेंटिका की बात करूँ, तो वहाँ पे एजलपिडेसिए एक ऐसा प्लांट होता है तो जिसमें से किसी भी पार्ट्स के तोड़ने के बाद वहाँ पे शीर निकलता है, यानी कि कुछ समथिंग ऊजेस आउट होता है यानी कि बाहर निकलता है, तो उसको हम एजलपिडेसिए फैमिली के ये फीचर्स होते हैं। इसी को हम दुग्ध गर्भा भी बोलते हैं, एजलपिडेसिए फैमिली को दुग्ध गर्भा बोलते हैं, यानी कि वहाँ से ऐसा मिल्की सब्सटेंस वहाँ पे ऊज आउट होता है यानी कि बाहर निकलता है। गुडुची जो हमारा जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट ड्रग होता है गुडुची होता है, गुडुची को कौन नहीं जानता है, गुडुची का परिणाम बहुत सारे रहते हैं। ओके, इसका धात्री परिणाम है, इसका अमृता परिणाम है। ओके, तो ऐसे गुडुची के बहुत सारे परिणाम है जिसका गुडुची का मेन रोल ये रहता है कि बॉडी में वो रसायन एक्टिविटी दिखाता है। ओके, रसायन एक्टिविटी मतलब कि वो दीर्घ आयु प्रदान करने वाला रहता है, बॉडी में जितने भी सात धातु रहते हैं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सभी की वो पुष्टि करता है। ओके, अभी अगर नॉर्मली सात धातु की पुष्टि का अगर मैं बात करूँ तो एक सपोज मैंने धातु ले लिया मांस धातु, तो मस्कुलर जो टिश्यू का जो बिल्डअप रहता है यानी कि अगर ऐसा पर्सन कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड यानी कि प्रोटीनिशियस फूड अगर मैं लेता हूँ लेकिन द ग्रोथ ऑफ मसल इज़ नॉट हैपनिंग दैट मच, तो उसका जो मेन कॉन्ट होता है वहाँ पे मांस धातु अग्नि जो रहती है वहाँ पे वो अंडर डेवलप या फिर बहुत कम रहता है, तो उसको वो गुरुची करेक्ट करके देता है, तो वहाँ पे मांस धातु की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे जो सात धातु रहती है उन सभी सात धातु की पुष्टि करने के लिए गुरुची एक्ट एज ए रसायन, तो उसका लैटिन नेम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और फैमिली मेनिस्पर्मेसी आती है। ओके, तो विदारीकंद ये हमारा लास्ट आउट ऑफ द फाइव जो रहता है, तो इसका जो प्यूरेरिया ट्यूबरोसा इसका लैटिन नेम है और फैमिली जो होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली का आता है। लेग्यूमिनेसी यानी कि जितने भी इनके जो फ्रूट्स रहते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लेग्यूम्स रहते हैं और इनसाइड द लेग्यूम्स वहाँ पे उनके सीड्स पाए जाते हैं। ओके, तो फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ लेग्यूम्स अगर पाए जाते हैं तो उसको हम लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत लेते हैं। ओके, जो इसके यूजेस जो है स्लोक फॉर्म में जो मैं बताऊंगा वो कंटक पंचमूल के एस इट इज रेफरेंस के अंदर आया हुआ है, तो वही मैंने बताया रक्त पित्त हरो येद शोफत रे विनाशनो सर्व में हरो च एव शुक्र दोष विनाशनो, यानी कि रक्त पित्त यानी क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि पित्त दोष में मैनिफेस्टेशन आने की वजह से पित्त दोष के गुड़ों के चेंजेस के आने की वजह से रक्त दुष्टि हो जाती है। संसर्गात लोहित प्रदूषणात, लोहित मतलब रक्त, तो पित्त के संसर्ग के होने की वजह से लोहित प्रदूषण हो जाता है, लोहित दुष्टि हो जाती है यानी रक्त की दुष्टि हो जाती है, तो उसको चेंज करके देता है रक्त। रक्त की दुष्टि के होने की वजह से अगर कोई आपको ट्रॉमा लग गया है, अगर आपको कोई यानी कि अगर कोई वहाँ पे स्टिमुलेशन आता है कि ब्लड बाहर जा रहा है तो ब्लड कंटिन्यूटली बाहर जाते रहता है यानी कि वहाँ पे कोई क्लॉटिंग जल्दी नहीं होता है यानी डिलेड इन क्लॉटिंग होता है, तो उसको हम रक्तपित्त बोलते हैं। शोफत्र विनाशनों मतलब सन्निपातज शोथ यानी कि वहाँ पे वात दोष का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, पित्त दोष का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है और कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, तो जो तीनों दोष के इन्वॉल्वमेंट के जो रिजल्ट होता है उसको सन्निपातज बोलते हैं। तो सन्निपातज इन्फ्लेमेशन में सन्निपातज शोफ या फिर सन्निपातज शोथ में हम वल्ली पंचमूल के यानी कि जो पांचों प्लांट के जो मूल होते हैं इनका काढ़ा बनाएं, इनका चूर्ण लें, कुछ भी लें, फॉर्मुलेशन बनता है उनका कल्प बनता है, तो इनके कल्प लेने के बाद हमें ये सब गुणधर्म यानी कि ये सब प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। उसके बाद सर्व में हरो चेव, मैंने ऑलरेडी कंटक पंचमूल में बताया है सर्व में मतलब 20 टाइप ऑफ जो डायबिटीज जो यानी कि प्रमेह रहते हैं, 20 टाइप ऑफ जो प्रमेह आयुर्वेद में बताए गए हैं, तो वहाँ पे उदक में जल में उसके बाद सांद्र में घन में शुक्र में लाल में काल में ओके क्षार में, तो ऐसे 20 टाइप्स के प्रमेह बताए गए हैं, डायबिटीज़ के टाइप्स बताए गए हैं, तो इन सभी को वो कम करता है। ओके, शुक्र दोष विनाशन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं हमारे इंडिया में, ये तो बहुत ही शुक्र दोष विनाशन मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है यानी कि देर आर नंबर ऑफ पीपल दे ओके, तो वो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल हैं कि वो बहुत सारे मनी ऐसे स्पेंड करने के लिए दे आर एग्री टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी,
सो क्यों स्पेंड करने के लिए वो ऐसे स्टिमुलेट हुए, यानी कि क्यों इतना वो आगे आए हुए हैं, क्योंकि ये जो मेजर प्रॉब्लम है इनको क्योर करने के लिए बहुत ही एक परफेक्ट जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर रहते हैं, और या फिर परफेक्ट जो अगर कोई वहाँ पे सेक्सुअल डिपार्टमेंट का अगर कोई डॉक्टर है तो वही उसको हील कर सकता है। इसलिए ये मेजर प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे इसका जो जो रीज़न है बहुत ही कॉमन रीज़न रहता है, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है। तो इन सभी को कम करने के लिए हमारा जो वल्ली पंचमूल है, कंटक पंचमूल है, ये सभी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं, तो रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स वो उसको कम करता है, यानी कि शुक्र दोष को विनाशिनी करता है, शुक्र दोष के प्रॉब्लम्स को कम करता है। तो इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम प्रमेह वही सब है, ओके। तो शुक्र दोष, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट वल्ली पंचमूल। तो वल्ली पंचमूल में पांच लताएं वाले जो प्लांट आते हैं इनका हम कलेक्टिवली यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, और जो फाइव प्लांट जो रक्त पित्त शोफत रहे इन सभी में जिसका यूज़ करते हैं उन्हीं की लताओं का हम यूज़ करते हैं, सॉरी उन्हीं के लता वाले प्लांटों के मूलों का यूज़ करते हैं। तो ऐसे वल्ली पंचमूल एक ग्रुप बनता है, यानी कि कंबाइन ग्रुप बनता है, मिश्रक बनता है, तो उसी को हम वल्ली पंचमूल एक ग्रुप टर्मिनोलॉजी देते हैं, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट रिगार्डिंग वल्ली पंचमूल। द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द तृढ़ पंचमूल, ओके।